वंदे वंदे अंबिकापुर से रेणुकूट तक रेल जुड़ाव चेतना पदयात्रा के आज तीसरे दिन यात्रा की शुरुआत वाड्रफ नगर चौक से शुरू हुई जो राजखेता होते हुए आगे बढ़ी जो ग्राम पंचायत डांड करवा में प्रस्तावित रेलवे सब स्टेशन तक पहुंची। वहां विभिन्न ग्राम के उत्साहजनों ने यात्रा का स्वागत किया, हस्ताक्षर अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ कई ग्राम पंचायतों के सरपंच पूर्व सरपंच सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यहाँ आम सभा का आयोजन ग्राम के लोगों द्वारा किया गया। हम लोग बहुत सारा चर्चा करते थे लेकिन इस चर्चा में और सबसे ज्यादा मेहनत मुकेश भाई मुकेश तिवारी जी और आलोक तिवारी दिल्ली में एक बार दो चार खाई चाहूंगा इनके मन में सोच आया और इसके पीछे आप जानते हैं कि कोई भी काम होता है तो उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत रहती है, बहुत सारा तथ्य जुटाना पड़ता है। लोग हम लोग बचपन से सालों से सुन रहे थे बरवाड़ी 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 कि बरवाड़ी टूटेगा तो फायदा होगा, लेकिन इन लोगों ने इन दोनों ने मिलके निकाला कि बरवाड़ी आज के डेट में जो अगर 10% फायदा है तो रेणुकूट से 100% फायदा है और ये कितना आसानी से हो पाएगा वो बरवाड़ी को और सालों लगेंगे। जो भी रेलवे विभाग का औपचारिकता है रेलवे विभाग के नियम कानून है चाहे प्रकाश साहू हो पूरी टीम सबका नाम दूंगा तो इनका तो 50-60 का टीम है तो इन लोगों ने हाथ बढ़ाया कदम बढ़ाया और हम लोगों का बेहौसला बढ़ा और इसके लिए लगातार प्रयास किए और मैं जो जानता हूँ आप लोग तो जितने बड़े लोग हैं तो समझते होंगे बच्चे लोग भी जानते हैं कि बस हवाई जहाज हर सफर से सुरक्षित और सस्ता हर कोई यात्रा किसी को हो सकता है तो रखते हैं तो आज उसके लिए प्रयास हो रहा है। जन चेतना पदयात्रा के पीयूष त्रिपाठी ने कहा कि यात्रा केवल कुछ लोगों की यात्रा नहीं है, ये आप सभी की यात्रा है। इस पदयात्रा में हम सभी प्रतीक के रूप में चल रहे हैं, असल में आप सभी भी इसमें शामिल चल रहे हैं। आप सभी का व्यापक जनसमर्थन इस बात का प्रमाण है कि रेणुकूट रेल लाइन की कितनी आवश्यकता है। यहाँ से फल सब्जियों का व्यापार बनारस सहित उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में होता है। इस लाइन के जुड़ने से किसान व छोटे व्यापारियों को बहुत राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य के लिए BHU बनारस और एम्स दिल्ली एकदम नजदीक हो जाएंगे। हम 13 घंटे में अंबिकापुर से दिल्ली में होंगे। शिक्षा के साथ ही धार्मिक आस्था में बहुत सहयोग मिलेगा। माँ गंगा के साथ बाबा विश्वनाथ और भगवान राम तक हमारी पहुँच सरल हो जाएगी। स्वीकृति आ जाए और इसीलिए हम लोग सब लगे हुए हैं। देखिए तकनीकी विषय आपको लोग बताएंगे बताते भी रहते हैं पर सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से बर्मा भी रेल लाइन की भी बात होती थी, सब रेल लाइन अपनी जगह जरूरी है पर आज के समय में ज्यादा प्रासंगिक ज्यादा जरूरी अगर कोई रेल लाइन है जो सबसे कम दूरी में हमको बनारस से दिल्ली से जोड़ देगी तो ये रेणुकूट रेल लाइन है। केवल अगर अंबिकापुर से हम लोग शुरुआत की बात करें तो अंबिकापुर से हम लोग रेणुकूट तक 140 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे जब ये रेल लाइन शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमारे किसान हैं छोटे व्यापारी हैं कटहल से लेके सब्जियाँ हैं फल हैं इनका व्यापार हमारा लगातार होता रहता है उनको बहुत सुविधा मिलेगी। बच्चों के पढ़ाई को लेके हमारे को इलाज के बारे में अगर आप सोचेंगे तो रायपुर जाने में कितना समय लगता है, जिस दिन ये रेल लाइन बन जाएगी ट्रेन से हम सीधे बनारस में एम या उसके बाद एम्स दिल्ली की बात करें तो 13 घंटे में हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो केवल बात स्वास्थ्य और शिक्षा तक ही नहीं है इसके बाद आता है धर्म की बात। हमारे यहाँ छोटी से छोटी कोई बात हो जाती है हमको प्रायश्चित करना होता है हमको दर्शन करने जाता होता है तो हम गंगा माँ के शरण में जाते हैं बनारस जाके गंगा माँ में डुबकी लगाते हैं नहाते हैं। इस रेल लाइन के बनने से वो आसान हो जाएगा और दुनिया में जिस भगवान को हम सनातनी सबसे ज्यादा मानते हैं भगवान राम उनकी जो जन्मभूमि है अयोध्या
हम उससे भी सीधे जुड़ जाएंगे। तो आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, चिकित्सा स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में हमारा जुड़ाव होने वाला है। को अंबिकापुर तक लाएं, पदयात्रा का हर एक कदम रेल मार्ग तक पहुंचेगा। रेल जुड़े सब है एकजुट, सरगुजा से रेणुपुर, अंबिकापुर रेणुपुर रेल जुड़ाव चेतना पदयात्रा दिनांक इस चेतना अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर रेणुपुर से अंबिकापुर तक रेल जाने के कार्यक्रम बनाएं। आइए मिलकर विभिन्न स्थानों से सरगुजा के